हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन बोर्ड जमदूर 21 में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास टेंथ साइंस के सेट वन यानी मॉडल सेट वन के बारे में। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप लोग 2021 में बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग सेट वन को कवर करेंगे। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से हम सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों करेंगे लोग। तो आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, इसका आंसर आप लोग को हम बता दें, प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के उपरांत यानी बाद में जिस बिंदु पर कटती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है यानी इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के उपरांत जिस बिंदु पर काटती है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। इसे पर्दा पर यानी पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं दो नंबर, इन धनुष किस प्रकार का वनपट है। इन धनुष किस प्रकार का वनपट है, दो का आंसर हो जाएगा यानी प्राकृतिक। प्राकृतिक इन धनुष किस प्रकार का वनपट है, तो प्राकृतिक वनपट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तीन नंबर आप लोग देख सकते हैं, ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। यानी ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम। यानी जो ए मीटर होता है उसको हम लोग विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। यानी ए मीटर को हम लोग विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए चार नंबर, विद्युत हीटर की तार किस मिश्र धातु का होता है। विद्युत हीटर की तार किस मिश्र धातु का होता है, यानी जो होता है मिश्र धातु का बना होता है वह होता है नाइक्रोम। यानी नाइक्रोम का बना हुआ होता है विद्युत हीटर की तार यानी नाइक्रोम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पाँच नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, दिष्ट धारा के स्रोत के नाम लिखें। दिष्ट धारा के स्रोत का नाम लिखें, तो इसका आंसर हो जाएगा बैटरी। यानी दिष्ट धारा का जो स्रोत है वह बैटरी हो सकता है, यानी उदाहरण पर बैटरी। यानी दिष्ट धारा का स्रोत का नाम क्या हो जाएगा, तो बैटरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग छः नंबर, विद्युत विभव से क्या समझते हैं। विद्युत विभव से क्या समझते हैं, इसका आंसर हो जाएगा किसी इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करता है वह उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। तो आप लोग चाहे तो क्वेश्चन को नोट करके फिर से अपने आंसर आप लोग लिख सकते हैं। हम आंसर बोल देते हैं, किसी इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करता है वह उसे बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सात नंबर, रेलवे सिग्नल में लाल रंग के प्रकाश का उपयोग क्यों किया जाता है। रेलवे सिग्नल में लाल रंग के प्रकाश का उपयोग क्यों किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रकाश का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है यानी अधिक होता है। यानी लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है वह सर्वाधिक होता है, इसलिए हम लोग रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं आठ नंबर, प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में क्या अंतर है। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी हम लोग प्रत्यावर्ती धारा धारा का मान शून्य एवं उच्च मान के बीच बदलते रहता है यानी प्रत्यावर्ती धारा। जो दिष्ट धारा होता है वह दिष्ट धारा नियंत्रण प्रभावित होते रहता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नौ नंबर आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, निकट दृष्टि दोष क्या है। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसे किस लेंस से दूर करते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसे किस लेंस से हम लोग दूर करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा
दूर स्थित विद्युत को, यानी जो वस्तु होता है उसे हम लोग देख नहीं पाते हैं, यानी उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, और इसे दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, 10 नंबर, अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को स्वच्छ रेखांक यानी रेखा चित्र द्वारा दर्शाइए। तो आप लोग जो अवतल दर्पण होता है वह बाहर की तरफ से रचित होता है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं खुद से। चलिए हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन देख लिया, अब लोग हम केमिस्ट्री का देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग देख सकते हैं रासायनिक समीकरण को किस नियम को पूरा करने के लिए संतुलित किया जाता है, रासायनिक समीकरण को किस नियम को पूरा करने के लिए संतुलित किया जाता है, तो इसका आंसर हुआ द्रव्यमान संरचना यानी संरक्षण के नियम, द्रव्यमान संरक्षण के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका आंसर हुआ CaSO4 × 1/2 यानी हाफ H2O, CaSO4 × 1/2 H2O जो होता है वह प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 13 नंबर, लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हुआ गैल्वेनीकरण, लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं 14 नंबर, कार्बन के बाहरी कोष में यानी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कार्बन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम लोग जानते हैं जो कार्बन की परमाणु संख्या होती है वह 6 होती है, हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 और 4 होता है, तो जो बाहरी कोष है तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा 4, कार्बन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं 15 नंबर, सोडियम यानी Na का परमाणु संख्या है, जो सोडियम का संकेत होता है वह Na होता है, यानी सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11, यानी सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वह 11 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 16 नंबर, ऑक्सीकारक क्या है, यानी ऑक्सीकारक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन प्रदान करने वाले पदार्थ को ऑक्सीकारक कहते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑक्सीकारक कहते हैं, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 और पोटेशियम हाइड्रोक्लोरेमेट यानी K2Cr2O7। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 17 नंबर, 17 नंबर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, दो उदाहरण दीजिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, दो उदाहरण दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा अम्ल तथा क्षारक के अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल बनते हैं, उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, अम्ल एवं क्षारक के अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल बनता है, इसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन, मेंडलीफ के आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था, मेंडलीफ के आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था, तो 18 का आंसर हो जाएगा तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया, फर्स्ट, सेकंड है समान गुण धर्म वाले पदार्थों को एक समूह में रखने का प्रयास किया, और थर्ड है तत्वों के हाइड्राइडो एवं ऑक्साइडो के अनुसूत्रों के मूलभूत गुणधर्म यानी गुणधर्म को मानकर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19 नंबर, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो 19 का आंसर हो जाएगा वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, वैसे रासायनिक यानी समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, और इसको क्यों यानी यह तो डिफिनेशन हो गया यानी परिभाषा हो गया, और क्यों करते हैं
द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान समान होते हैं, इसलिए अभिकारकों एवं उत्पादों यानी के द्रव्यमान को समान करने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। 20 नंबर आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या है, यानी हाइड्रोकार्बन क्या है और संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच के अंतर को स्पष्ट करें। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोकार्बन और यानी जो हाइड्रोकार्बन होता है वह कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने यौगिक को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे CH4 C2H6 यानी CH4 यानी मेथेन। और इसमें बोला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट करें। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हैं जो कार्बन परमाणु एकल बंध द्वारा जुड़ी रहती है, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वह कार्बन परमाणु द्वि बंध या त्रियाबंध के साथ जुड़े हुए होते हैं, और जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वह अधिक अभिक्रियाशील नहीं होते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वह अधिक क्रियाशील होते हैं। चलिए हम लोग बायोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं किण्वन किसे कहते हैं, किण्वन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अवायवीय शोषण में ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में एथेनॉल एवं CO2 में परिवर्तित होने की क्रिया किण्वन कहलाती है। अवायवीय शोषण में ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल एवं CO2 में परिवर्तित होने की क्रिया किण्वन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं 22 नंबर, रक्त में प्लेटलेट्स का क्या है यानी कार्य क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त में थक्का बनाने यानी बनने में मदद करता है या रक्त बहने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, पारिस्थितिक तंत्र में दो घटकों के नाम लिखिए, पारिस्थितिक तंत्रों के तंत्र के दो घटकों के नाम लिखना है, तो क्या क्या हो जाएगा, पारिस्थितिक जैविक घटक और अजैविक घटक हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रा में जनन की विधि द्वारा होता है, हाइड्रा में जनन किस विधि द्वारा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुकुलन यानी मुकुलन विधि द्वारा होता है हाइड्रा में जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं 25 नंबर, फल पकाने वाला हार्मोन है, फल पकाने वाला हार्मोन कौन है। तो फल पकाने वाला हार्मोन का नाम इथिलीन है, एथिलीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ओजोन क्या है, ओजोन क्या है, इसके नष्ट होने से हमें क्या नुकसान हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओजोन ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं यानी परमाणुओं के बना एक यौगिक है जो वायुमंडल में 15 किलोमीटर से लेकर लगभग 50 किलोमीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र के बीच पाया जाता है। इसे अवक्षय से कई तरह के चर्म रोग, कैंसर और अनेक प्रकार की उत्परिवर्तन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन क्या है, इसकी प्रक्रिया को समझाइए यानी इसकी प्रक्रिया को समीकरण से समझाइए। इसका आंसर हो जाएगा वह क्रिया जिसके द्वारा कोशिकाओं के ग्लूकोज के ऑक्सीजन ऑक्सीकरण या विखंडन से ऊर्जा का उत्पादन होता है श्वसन कहलाता है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं फिजिक्स का। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण द्वारा लंबवत आपतित होती है, यानी परावर्तन कोण का क्या होगा। ऑप्शन है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या 135 डिग्री। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 90 डिग्री। एक प्रकाश किरण समतल दर्पण द्वारा लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का जो मान होता है वो 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, तो दो का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एक से अधिक, वायु का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वह एक से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, अस्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वह कितनी होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वोल्ट बराबर होता है जहाँ सी बराबर कूलम, जे बराबर जूल और ए बराबर एम्पियर। तो जो चार का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी जूल बटा कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोज निकाला था, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोज निकाला था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑस्टर्ल्ड। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, घरों में विद्युत आपूर्ति कैसे
कितने धारा पर की जाती है? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी जो लेंस का जो मुख्य फोकस होता है उसके दो, यानी दो, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, पीतल और जो तांबा और जिंक के मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 7 से कम। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्केन का समान सूत्र जो होता है वह कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन शून्य वर्ग का तत्व है? तत्व यानी जो शून्य वर्ग का तत्व कौन है? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन की संयोजकता क्या होती है? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 6th यानी छठे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, एल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एक दिशीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादप अपशिष्ट संचित होते हैं, यानी संचित होते हैं वो कहाँ होते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है, पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, इनमें से सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, चिंपैंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर में विभिन्न भागों में ले जाने वाले रक्त वाहिनियों कहलाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी धमनियाँ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, धमनियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से बनता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जाइगोट। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने के क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, श्वासो उच्छ्वास। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें।